वेलकम टू एस ऑडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 3035 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे, जो कि आप TDA7294 आईसी के बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मॉस्फेट एम्पलीफायर के बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास एक 35 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है, दो 104 कैपेसिटर, दो 10,000 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर और कुछ कॉपर इनेबल्ड वायर 20 गेज का। इसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ पीसीबी बोर्ड, जिसे हम ब्रेड बोर्ड भी बोलते हैं, सोल्डरिंग के लिए वायर, प्लग्स और कुछ इक्विपमेंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं अपनी पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हम अपने ब्रेड बोर्ड पर अपने कैपेसिटर्स को माउंट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे साइज में कट कर सकते हैं। मेरे पास ये पीसीबी है, मैंने इसे कट नहीं किया हुआ है, तो मैं इसमें डायरेक्टली माउंट कर लूँगा। दोनों कैपेसिटर हमारे माउंट हो चुके हैं, इनके अब हम सोल्डरिंग कर लेंगे। अपने कैपेसिटर की हम सोल्डरिंग कर चुके हैं। अब इसी के आगे दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम और लगाएंगे, इन्हें भी माउंट कर लेते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इन्हें जैसे चाहें वैसे माउंट कर सकते हैं। हो चुकी है, अब हम इनके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए मैं कॉपर इनेबल्ड वायर है, इसको यहाँ से यहाँ तक की इसकी वायरिंग कर दूंगा। इसे अच्छे से रब कर लीजिए ताकि कहीं से भी इस पर इनेबल ना रह जाए, जिससे इसकी कनेक्शन में प्रॉब्लम है। इसे हाथ से पकड़ कर सोल्ड ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इससे आपका हाथ जल सकता है। तो आप इसे एक चिमटी की मदद से पकड़ कर माउंट करते हैं। एक कैपेसिटर का पॉजिटिव, एक कैपेसिटर का नेगेटिव, हमें इसे ग्राउंड पर कनेक्ट कर लेंगे। अब इस ग्राउंड से हम इसे इनके बीच वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर लेंगे, जो हमने छोटे वाले 104 कैपेसिटर लगाए हैं। तो उसके लिए भी मैं एक इसी कॉपर वायर का ही इस्तेमाल करूँगा। दोनों टर्मिनल को भी आपस में कनेक्ट कर लेंगे, इन्हें किसी वायर की मदद से हम कनेक्ट करेंगे। प्लस इसके जस्ट सामने वाला माइनस, प्लस माइनस, ये दोनों एसी जिसमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई आएगी। तो पहले मैं यहाँ वाले कनेक्ट कर लेता हूँ प्लस माइनस को। तो हमारे प्लस माइनस में हवा मैंने अपने कैपेसिटर पे लगा दिया, तो कैपेसिटर का माइनस इधर है तो प्लस इधर होगा,
इस वाले पे, तो हम प्लस का वायर उसी को लगाएंगे। मेरे पास ये 24024 का एक ट्रांसफार्मर है, इसके ये दोनों एसी वायर हैं, आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में देखिए सेम कलर की आपको एसी वायर मिलेंगी और एक डिफरेंट कलर का आपको ग्राउंड मिलेगा। तो मैंने दोनों सेम वायर को एक्सटेंड करने के लिए एक ग्रीन और एक येलो कलर की केबल ऐड की है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एसी हैं और ये ग्राउंड है। आप यहाँ पर चेक कीजिएगा, सेम कलर वाले एसी और बीच वाला ग्राउंड। तो मैं एसी वाले को एसी टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूँ अपने रेक्टिफायर के। ग्राउंडिंग वायर है, मैं इसे कैपेसिटर के ग्राउंड पे कनेक्ट करूंगा। ये ग्राउंड कनेक्ट कर दिया मैंने, अब मैं अपना आउटपुट यहाँ से ले सकता हूँ। मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है, एक बार इसके वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट किया, यह 35035 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। इसके लिए आप 24024 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें और अच्छी कॉपर का, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, जिससे जब आप एम्पलीफायर इस्तेमाल करें तो बेस पर आपके वोल्टेज ड्रॉप ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एक अच्छी पावर सप्लाई बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।